हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इवो कस्टम कार। मैं हूं रूपेश और आज हमारे पास जो गाड़ी आया है BMW 3 सीरीज 2016 मॉडल। सो फ्रेंड, ये BMW जो हमारे पास आया है ये GT मॉडल है। इसमें जो है हम इवो फिट स्क्रीन अपग्रेड कर रहे हैं, तो हमारा इवो फिट स्क्रीन 10 इंचेस का आएगा और कंपनी फिटेड जो स्क्रीन है हम रिमूव करके इवो फिट स्क्रीन अपग्रेड करेंगे। सो फ्रेंड, कंपनी फिटेड स्क्रीन कैसे आता है वो फर्स्ट आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद हमारा इवो फिट स्क्रीन कैसे आएगा वो भी आपको चेकआउट करा देता हूँ और हम स्क्रीन के अलावा और क्या कर रहे हैं गाड़ी में वो भी आपको मैं बता देता हूँ। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कंपनी फिटेड डिस्प्ले कुछ ऐसे आता है। ये सामने का जो पीस वगैरह है आप देख सकते हैं, ये फिटिंग कुछ ऐसे रहता है। इसमें का जो हाई ड्राइव रिमोट कंट्रोल आता है आप देख सकते हैं, आपको कुछ ऐसे आएगा साइड में देखने के लिए। सो अभी करते हैं ये गाड़ी को स्टार्ट और देखते हैं ओरिजिनल स्क्रीन ऑपरेट कैसे हो रहा है। मीटर में कुछ भी एरर लाइट वगैरह नहीं है आप देख सकते हैं। एक सीट बेल्ट और एक हैंड ब्रेक का दिखा रहा है। ये फ्रेंड देख सकते हैं स्क्रीन ऑन हो चुका है, ये विदाउट टच आता है। सो विद टच स्क्रीन ये नहीं आता है कंपनी फिटेड। सो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड, जो ओरिजिनल वाला हाई ड्राइव रिमोट कंट्रोल आता है ये परफेक्ट वर्किंग हो रहा है। स्टेरिंग का भी बटन काम कर रहा है। अभी जाते हैं बैक। नेक्स्ट फ्रेंड, इसमें जो है रिवर्स कैमरा भी कंपनी फिटेड ही आता है, उसको ऑन करके एक बार देखते हैं कि कैसे आ रहा है डिस्प्ले में ओरिजिनल कंपनी फिटेड डिस्प्ले में। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कुछ कैमरा ऐसा देखने को मिलेगा आपको, पीछे जगह कम है इसलिए आपको सेंसर का आवाज सुनाई देता होगा। सो सेंसर प्लस कैमरा दोनों भी काम कर रहा है स्क्रीन में, ये जो कंपनी फिटेड स्क्रीन है। अभी हमारा इवो फिट जो स्क्रीन है उसमें भी काम करेगा कि नहीं वो तो मैं फिट करने के बाद आपको चेक करा दूंगा। उससे पहले जो है हम स्क्रीन आपको दिखा देते हैं कि हमारा स्क्रीन कैसे रहने वाला है इवो फिट। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं इवो फिट स्क्रीन आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। इसको टॉन करते हैं। सो फ्रेंड, ये स्क्रीन है, ये ओरिजिनल स्क्रीन निकाल करके इसके जगह पे है ये स्क्रीन इवो फिट फिट हो जाएगा, स्ट्रेट फिट हो जाएगा। दूसरा इसमें क्या आता है वो आपको दिखा देता हूँ। सो ये फ्रेंड आप देख सकते हैं 4G एंटीना आता है, एक GPS एंटीना आएगा, एक ऑक्सिलरी इन करने के लिए केबल आता है। नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हैं फ्रेंड, माइक वगैरह डालने का इन करने का ऑप्शन आता है और वीडियो आउट वीडियो इन करने का भी ऑप्शन आता है। नेक्स्ट फ्रेंड आप देख सकते हैं ये पेन ड्राइव स्लॉट, दो पेन ड्राइव स्लॉट आएगा इसमें और ये मेन हार्नेस आता है फ्रेंड। सो ये इवो फिट स्क्रीन फिट करने के लिए हमको ये गाड़ी में कहीं भी वायरिंग वगैरह कुछ स्प्लैश वगैरह नहीं करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं ये वायरिंग किट आया है डिस्प्ले फिटिंग करने के लिए, तो ये प्लग एंड प्ले फिट होगा फ्रेंड। सो फ्रेंड, अभी करते हैं ये पैनल वगैरह ओपनिंग करना है स्टार्ट। ये ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि ओपन होने के बाद कैसे दिख रहा है। और फ्रेंड, इसमें जो है फ्रंट में भी कैमरा हम लगा रहे हैं, तो हम फ्रंट में क्या कंपनी का कैमरा लगा रहे हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। जब ये मैं डिस्प्ले अपग्रेड कर रहा हूँ तब दिखा दूंगा आपको। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं हम स्क्रीन निकाल चुके हैं कंपनी फिटेड। इसमें जो LVDS केबल आता है आप देख सकते हैं ये 6 पिन आता है और इधर का जो AC बैंड आता है पैनल वो भी हम रिमूव कर चुके हैं आप देख सकते हैं। इधर आप देख सकते हैं फ्रेंड ये CD प्लेयर है, सो CD प्लेयर को भी हमको निकालना पड़ेगा वायर कनेक्शन करने के लिए।
और जो कंपनी फिर डिस्प्ले हम निकाल चुके हैं वो आपको दिखा देते हैं एक बार। सो ये आप देख सकते हैं कुछ ऐसे देखने को मिलेगा आपको। ये फ्रेंड देख सकते हैं इसके पीछे कनेक्शन कितना है। सो फ्रेंड मैं वायरिंग स्टार्ट करता हूं। वायरिंग स्टार्ट होने के बाद डिस्प्ले में फिट करता हूं। डिस्प्ले फिट करके आपको दिखाऊंगा कि हमारा डिस्प्ले कैसे ऑन हो रहा है इवोफिट और उसमें क्या क्या ऑप्शन काम कर रहा है वो भी मैं आपको चेकआउट करा दूंगा। सो फाइनली फ्रेंड हमारा इवोफिट जो हम स्क्रीन अपग्रेड कर रहे थे फिटिंग हो चुका है। आप देख सकते हैं फाइनल फिटिंग। या पेसी बैंड का पैनल वगैरह देख सकते हैं जो भी हम ओपन किए थे सभी परफेक्ट फिट हो चुका है। इसमें जो हम माइक डाले हैं आप देख सकते हैं इधर रियर व्यू मिरर के ऊपर डाले हैं। जीपीएस एंटीना और 4G एंटीना डैशबोर्ड का लेफ्ट साइड डाले हुए हैं। सो फ्रेंड अभी करते हैं प्लेयर को स्टार्ट ऑन करते हैं। सो गाड़ी आप देख सकते हैं स्टार्ट हो चुका है। एरर लाइट इसमें देखते हैं तो एरर लाइट कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है सिर्फ हैंड ब्रेक और सीट बेल्ट का दिखा रहा है वार्निंग लाइट वो हम लगाया नहीं है और हैंड ब्रेक ऊपर है गाड़ी खड़ा है तो ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारा इवोफिट स्क्रीन ऑन हो रहा है। सो ये ऑन हो चुका है। ये फ्रंट कैमरा है वो भी मैं आपको प्रोसेस दिखा दूंगा। सो ये आप देख सकते हैं बहुत स्मूथली काम कर रहा है। नेक्स्ट इसका जो फ्रेंड हम ये हाइड रैप रिमोट कंट्रोल जो आता है कंपनी फिटेड ये आप देख सकते हैं ये स्क्रीन के साथ परफेक्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है वो भी मैं आपको एक बार चेकआउट करा देता हूं। सो फ्रेंड ये आप देख सकते हैं परफेक्टली काम कर रहा है। अभी इसका डैशबोर्ड आपको मैं दिखाता हूं। सो ये आप देख सकते हैं डैशबोर्ड कुछ स्क्रीन में ऐसे देखने को मिलेगा। इसमें भी जो है सीट बेल्ट और हैंड ब्रेक का दिखा रहा है तो डैशबोर्ड परफेक्टली काम कर रहा है। ये देख सकते हैं आप डिजिटल आरपीएम मीटर भी काम कर रहा है। नेक्स्ट इसको जाते हैं बैक। ये कार इन्फो आप देख सकते हैं फ्रेंड। सो जो ये ओरिजिनल आता है मेनू ओरिजिनल स्क्रीन का वो भी सभी आ रहा है आप देख सकते हैं। सो इसको जाते हैं बैक। अभी फ्रेंड इसका नेविगेशन ऑन करते हैं गूगल मैप। सो आप देख सकते हैं गूगल मैप भी परफेक्ट ऑन हो गया है और बहुत ही फास्ट काम कर रहा है। आप देख सकते हैं जो हम ये प्लेयर डाले हैं स्क्रीन डाले हैं इवोफिट ये आप देख सकते हैं। सो इसको करते हैं बैक। अभी फ्रेंड जो हम फ्रंट में कैमरा डाले हैं वो कैसे काम कर रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। सो ऐप में जाना है। ऐप में जाने के बाद में इधर ऑक्स इन आता है। सो इसको क्लिक करना है। ये आप देख सकते हैं फ्रंट कैमरा ऑन हो चुका है। सो ये सिर्फ फ्रंट कैमरा है इसमें जो है ये रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ भी नहीं होगा। हम सिर्फ फ्रंट कैमरा डाले हैं। सपोज क्या है कभी कभी गाड़ी पार्किंग करते हैं तो सामने का व्यू देखने के लिए अच्छा रहेगा। तो अभी जाते हैं इसको बैक। अभी आपको मैं रिवर्स कैमरा चेकआउट करा देता हूं। जो कंपनी फिटेड रिवर्स कैमरा है वो सेम कैमरा ये स्क्रीन के साथ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। सो फ्रेंड आप देख सकते हैं कंपनी फिटिंग जो कैमरा आता है वो भी काम कर रहा है और सेंसर भी काम कर रहा है। ये आप देख सकते हैं स्टेयरिंग रोटेट भी काम कर रहा है। जो गाइड लाइन आता है वो भी परफेक्टली काम कर रहा है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड इसमें जो है हम वीडियो प्ले करके आपको दिखाते हैं वीडियो का क्वालिटी कैसे आ रहा है स्क्रीन में।
सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं वीडियो भी परफेक्ट काम कर रहा है। अभी फ्रंट में कैमरा हम कैसे लगाए हैं वो आपको एक बार चेकआउट करा देता हूं। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं हम जो एक्स्ट्रा इधर कैमरा लगाए हैं फ्रंट के लिए, ये आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। सो फाइनली फ्रेंड, ये जो हम फिटिंग किए हैं ईवोफिट डिस्प्ले, आपको फिटिंग कैसे लगा हमको कमेंट करके बताइएगा आप। और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हम जो भी गाड़ी का वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको मिले। सो फ्रेंड, अभी करते हैं वीडियो को एंड, नेक्स्ट मुलाकात होगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।